नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। में हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। सोशल मीडिया पर सीएम त्रिवेंद्र रावत की मृत्यु की झूठी अफवाह फैलाने और षड्यंत्र करने वाले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने एसएसपी अरुण मोहन जोशी को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का बयान, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। सोचिए, सीएम के नाम की ही अफवाह फैला दी गई, बड़ी खबर है इस वक्त की और बहुत ही अहम उत्तराखंड के लिहाज से। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे, डीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से कहा गया है। सोशल मीडिया पर दरअसल सीएम त्रिवेंद्र रावत की मृत्यु की ही झूठी अफवाह फैलाई गई। अफवाह फैलाने और षड्यंत्र करने वाले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने एसएसपी अरुण मोहन जोशी को निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का बयान, कोई भी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाला क्यों ना हो, किसी भी सूरत में उसको बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, यह डीजी लॉ एंड ऑर्डर की ओर से कहा गया। फेक न्यूज होगी, जो लोग अफवाह फैलाएंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा, किंतु ये तो थोड़ी लिमिट्स, सारे लिमिट्स पार हो गई है इसमें, तो ये बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है। किसी भी हालत में इसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, इसके कॉन्स्पिरेटर्स को भी नहीं बख्शा जाएगा जिन्होंने ऐसा षड्यंत्र किया। बहुत ही खेदजनक बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी के संबंध में एक बहुत ही दुखद और शर्मनाक और झूठी जो है फेक न्यूज फैलाई गई, उस पर हमने तत्काल संज्ञान लिया है। एसएसपी देहरादून को आदेशित किया है कि इस पर इमीडिएट एफआईआर करें और ऐसे जो भी इसके दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी करें। खबर हरिद्वार से है, जहां कुंभ 2021 मेले अधिकारी की ओर से ये बताया गया है कि हरिद्वार हिलबाई का निरीक्षण किया है। आईएएस दीपक रावत हरिद्वार कुंभ 2021 के मेला अधिकारी हैं। पीडब्ल्यूडी ने 34 करोड़ रुपए के कार्य को प्रस्तावित किया है। कुंभ के दौरान सुचारू यातायात और भूस्खलन कार्य में मदद के लिए कार्य किया जाएगा। कुंभ के लिहाज से ये रास्ता अभी तक काफी उपयोगी सिद्ध हुआ है। पीडब्ल्यूडी ने 34 करोड़ रुपए के कार्य का यहां पर प्रस्तावित प्लान तैयार किया है। रुपए के कार्य को प्रस्तावित किया गया है। कुंभ के दौरान में मदद के लिए कार्य किया जाएगा। कुंभ 2021 की तैयारियां देखिए लगातार जोरों पर हैं। आईएएस दीपक रावत हरिद्वार कुंभ 2021 की पूरी कमान संभाल रहे हैं और अब ऐसे में खुद उन्होंने जायजा लिया है क्या स्थिति है, किस तरीके से काम चल रहा है। कुंभ 2021 के मेला अधिकारी हैं और अब खुद जायजा लेने के लिए पहुंचे तमाम लोगों के साथ में, तमाम टीम मेंबर्स के साथ में, और यहाँ पर उन्होंने पुख्ता किया है कि काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा, और 2021 का जो इस वक्त टारगेट है कुंभ को लेकर, उसे अचीव करने के लिए यहाँ पर क्या कुछ काम किए जा रहे हैं। कुंभ जैसे आयोजनों में तो इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे कई दिन आते हैं जबकि हमारा जो सिटी एरिया 100% पैक हो जाता है, कोई गुंजाइश नहीं रहती किसी की बाहर निकलने की, और इसीलिए 1950 के कुंभ में ये हिल बाईपास बनाया गया था। उसके बाद हर कुंभ में यूज़ हुआ है, इसको यूज़ करने की परमिशन भी है, लेकिन इसमें आप जानते हैं कि इतने सारे स्लाइड जोन्स हैं कि हर बरसात में लगभग ये पूरी तरीके से टूट फूट जाता है, और इसको जो फिर खोला भी जाता है तो काम चलाओ स्तर पर खोल दिया जाता है, लेकिन बहुत स्टेबल वो नहीं रहा है। तो इस बार इसकी बहुत अच्छी स्टडी करवाई गई थी IIT रुड़की से और कंसल्टेंट से भी, जिसमें काफ़ी जगहों पर इस तरह के प्रोटेक्शन वर्क्स प्रपोज किए गए हैं जो कि ऊपर से ही हिल को ट्रीट करके जो है काम करेंगे, ताकि जो गिर रहा है वो हमारा ना हो और नीचे भी जहाँ ज़मीन बैठ रही है उसको भी ट्रीट हो। तो ये 34 करोड़ का ये प्रोजेक्ट PWD ने बनाया है। इसमें अभी कुछ आपत्तियाँ इसमें वाइल्ड लाइफ बोर्ड की ओर से आई जिनको हम क्लियर कराएंगे। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान, प्रवासी उत्तराखंड के लोगों के लौटने पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, उत्तराखंड वापस लौटने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, सरकार को सबके वापस लौटने की व्यवस्था करनी चाहिए, वापस लौटे उत्तराखंडियों को कृषि बागवानी में रोजगार मुहैया कराना चाहिए, देश के अलग अलग हिस्सों से प्रवासी उत्तराखंडी सुरक्षित स्थान पर लौटना चाहते हैं। देखिए, अब सरकार को सुझाव दिए जा रहे हैं, वापस लौटे उत्तराखंडियों को
काम देना चाहिए। देश के अलग अलग हिस्सों से जो प्रवासी उत्तराखंडी वापस लौटे हैं उनको सुरक्षित स्थान पर लौटाना चाहिए। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है, प्रवासी उत्तराखंड के लोगों के लौटने पर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करने चाहिए, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। सरकार को सबके वापस लौटने की व्यवस्था करनी चाहिए। वापस लौटे उत्तराखंडियों को कृषि बागवानी में रोजगार मुहैया कराना चाहिए। उत्तराखंड के लोग जो है पूरे राष्ट्र के अंदर है और मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ भी उत्तराखंड के लोग हैं, उत्तराखंड के लोगों ने अपनी एक अलग पहचान प्रत्येक प्रदेश के अंदर बनाने का काम किया है। कोरोना की महामारी है, स्वाभाविक बात है, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं और उत्तराखंड के लोग समझते हैं कि हम उत्तराखंड जा कर के अपने आप को अपने घरों में जा कर के अपने आप को सुरक्षित रखने का काम करेंगे, इसीलिए सब लोग वापस आना चाहते हैं। अब तो सरकार का दायित्व बनता है, कोई तो बहुत बड़ी संख्या थोड़ी है, बिहार जैसे उत्तर जैसे प्रदेशों की स्थिति थोड़ी है। उत्तराखंड में जितने भी लोगों ने संपर्क साधा है उन तमाम लोगों को लाने की व्यवस्था सरकार करे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने तो कहा है यदि रेल मार्ग से लाने में राज्य सरकार सक्षम नहीं है, केंद्र सरकार सक्षम नहीं है, उस परिस्थिति में कांग्रेस जो है आर्थिक रूप से जो है मदद करे। उत्तराखंड के वन पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत प्रेस से भी रूबरू हुए। मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि 25 लाख रुपए पर्यावरण बोर्ड से स्वीकृत करवाए हैं और 25 लाख का चेक नगर आयुक्त कोटद्वार को सौंप दिया गया। इस राशि की मदद से नगर आयुक्त शहर की साफ सफाई, कर्मचारियों के लिए पीपीई किट और दूसरे जरूरी सामान की खरीदारी कर सके। वहीं महिला उत्थान की महिलाओं ने 1 लाख मास्क बनाकर मंत्री हरक सिंह रावत को सुपुर्द किए, जिनको उत्तराखंड की पूरी विधानसभा में बांटा जाएगा। तो देखिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहर की सफाई व्यवस्था और पीपी किट के लिए यह राशि सौंपी गई है। नगर आयुक्त कोटद्वार को 25 लाख रुपए का यह चेक सौंपा गया है। पर्यावरण बोर्ड से स्वीकृत करवाई गई कोटद्वार के लिए राशि और अब इसी राशि के जरिए शहर की सफाई व्यवस्था और साथ ही साथ पीपी किट के लिए इन 25 लाख रुपयों का इस्तेमाल होगा। पर्यावरण बोर्ड से स्वीकृत करवाई गई कोटद्वार के लिए राशि 25 लाख रुपए की राशि, शहर की साफ सफाई और पीपी किट के लिए ये राशि मुहैया कराई गई है। 25 लाख की धनराशि पर्यावरण बोर्ड से हमने नगर निगम कोटद्वार को, नगर आयुक्त मेहरा जी और सहायक नगर आयुक्त नेथान जी को सौंपा है। ये 25 लाख की धनराशि हमने कोटद्वार नगर निगम को कोटद्वार की सफाई के लिए, कोटद्वार के सैनिटाइज करने के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए आवश्यक उपकरण के लिए ये धनराशि मैंने दी है। इसके अलावा 10,000 लीटर सोडियम क्लोराइड, जिससे कि पूरा कोटद्वार में जगह जगह जहाँ गंदगी है उसकी सैनिटाइज किया जा सके, सफाई व्यवस्था की जा सके, वो व्यवस्था हमने की है। इसके अलावा आज महिला उत्थान बाल कल्याण संस्थान ने 5,000 महिलाओं के द्वारा बनाए गए मास्क आज मुझे सौंपे हैं, जो मैं पूरे कोटद्वार और कालागढ़ अपने पूरी विधानसभा क्षेत्र में सभी लोगों को ये मास्क उपलब्ध कराऊंगा। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से वापस लौट रहे लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। चंडीगढ़ से भी 478 प्रवासी वापस लौटे हैं। सभी व्यवस्थाएं प्रशासन ने पूरी कर ली थी। पौड़ी पहुंचे सभी प्रवासियों को स्टेशन पर ही थर्मल स्क्रीनिंग के लिए रोका गया। पौड़ी पहुंचने से पहले हरिद्वार में सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग की गई। डीएम पौड़ी के मुताबिक बाहर से आने वाले सभी लोगों पर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है और इन सभी पर नजर रखने के लिए ब्लॉक स्तर पर टीमों का गठन हुआ है। सभी आने वाले प्रवासी 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर्स में रखे जाएंगे। देखिए राज्यों में प्रवासियों के वापस लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच उत्तराखंड के अंदर भी चंडीगढ़ से 478 प्रवासी वापस लौटे, जिनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी हुई, उनका पूरा डेटा तैयार भी किया गया और इन सभी का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। इन सभी को पहले 14 दिनों के लिए क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा और उसके बाद इन्हें इनके गंतव्यों तक पहुंचाया जाएगा। लगभग 458 लोग हैं जो
आज हमारे पौड़ी जनपद में आएंगे। फर्स्ट फेज में इनकी स्क्रीनिंग अभी हरिद्वार में हम लोगों ने कराई है, तो फिलहाल सारे के सारे लोग ठीक हैं और वो गाड़ियाँ चलनी शुरू होगी कोटद्वार एरिया के लिए, पौड़ी के लिए और श्रीनगर। तो एहतियात के तौर पर जितने भी ग्राम प्रधान हैं उन लोग को शासन द्वारा जिम्मेदारी दी गई है कि इन लोग के बारे में जो भी सूचना मिलती है वो तत्काल हमें उपलब्ध कराएंगे और स्वास्थ्य टीम को कराएंगे। तो उसमें कल ही मुख्य सचिव महोदय का एक पत्र आया था कि जिसमें सारी जिम्मेदारी हमारे ग्राम प्रधानों की है। कोशिश करेंगे कि जितने लोग आए हैं उन लोगों को, जिन ग्राम सभाओं में वो लोग आते हैं वहाँ के पंचायत घरों में, स्कूलों में, मिलन घरों में और जो घर खाली हैं, अगर किसी का घर एकांत में है तो उसको होम क्वारंटाइन भी किया जा सकता है। जिस हिसाब से वहाँ पे जगह उपलब्ध होगा उसी हिसाब से लोगों को होम क्वारंटाइन। खबर नैनीताल से, कोरोना के मामलों की निगरानी को लेकर डीएम सविन बंसल ने अहम बैठक ली। बैठक में नैनीताल जिले में कोरोना को लेकर वर्तमान स्थिति की समीक्षा हुई। बाहरी राज्यों से जिले में आने वाले प्रवासियों के टेस्ट और थर्मल स्क्रीनिंग को लेकर दिए निर्देश। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए अलग से कार्य योजना तैयार। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ और डीडीओ इस पूरे कार्यक्रम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और तत्काल हमारे कोरोना कंट्रोल रूम और हमारे जो नोडल हैं इस मैकेनिज्म के, उनको सूचना प्रेषित कर रही हैं, जिसके आधार पे जो हमारी हेल्थ टीम्स हैं वो उन लोगों को 14 दिन के लिए ऑब्जर्व करते हैं और यदि किसी में कोई लक्षण परिलक्षित होते हैं तो उनको इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन या फिर सैम्पलिंग के लिए रिकमेंड किया जाता है। ये जो मैकेनिज्म है इसकी रेलिवेंस आज की डेट में और बढ़ गई है, जबकि हमारे जो स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स अन्य राज्यों से हमारे कुमाऊं क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं और हल्द्वानी उनका बेस बनाया गया है, तो प्रथम चरण में हमारे नैनीताल ज़िले में हर एक ब्लॉक के कुछ ना कुछ विजिटर्स इस समय अपने घरों को प्रोसीड कर रहे हैं। तो उन लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी चेकअप तो यहाँ पर हो जा रहा है, लेकिन क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड इस कंटेजियन का लंबा है तो उनको एक लंबे पीरियड के लिए ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, ताकि किसी भी समय यदि किसी के अंदर कोई लक्षण प्रतीत हो या कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या ट्रेवल हिस्ट्री इस तरह की पता चले कि जहाँ पे उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन या सैंपलिंग के लिए रिकमेंड किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में ग्राउंड टीम्स का सशक्त होना बहुत अनिवार्य है और हमारी ग्राउंड टीम्स में आशा, एएनएम, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी सम्मिलित हैं, जिनको डेली बेसिस पे कंट्रोल रूम में बैठ कर हमारे CDPOs, BDOs और DPO ICDS और DDO ये लोग मॉनिटर कर रहे हैं। सेम मैकेनिज्म हमारा अर्बन एरियाज के लिए भी है, जहाँ पे हमारी CRTs हैं, सिटी रिस्पांस टीम्स। खबर चमोली से है, जहां देवाल में शराब की दुकान को लेकर विवाद। शराब की दुकान के विरोध में तो पक्ष आमने सामने। शराब की दुकान के आगे धरने पर बैठे जनप्रतिनिधि धरने के खिलाफ देवाल यूथ क्लब के युवा आगे आए। देवाल यूथ क्लब के युवा बोले, कमीशन के लिए दिए जा रहे धरने के खिलाफ अंग्रेजी शराब की दुकान के आगे धरने पर बैठे ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू। विरोध प्रदर्शन के बाद दुकान बंद कराई गई। शराब की दुकान के बाहर नजर आई भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा था। नहीं चलेगी कमीशन खोरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी खोरी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड में लॉकडाउन के दौरान अचानक सरकार की तरफ से छूट देने से पुलिस की परेशानी बढ़ गई। ग्रीन जोन में शामिल जिला टिहरी के भद्रकाली चेक पोस्ट पर पुलिसकर्मियों को चेकिंग में काफी मशक्कत करनी पड़ी। सबसे बड़ी चुनौती सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए वैध वाहनों को मंडल की ओर भेजना बना हुआ है। हालांकि पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं और इसी का परिणाम है कि टिहरी SSP योगेंद्र रावत ने लगातार ड्यूटी करने वाले भद्रकाली चौकी प्रभारी अंशुल अग्रवाल को कोरोना वॉरियर का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने की घोषणा की।
रहेगी ताकि टिहरी में पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ता रहे। हमारे द्वारा भद्रकाली पे जब से भारत में लॉकडाउन चालू हुआ है तब से चेकिंग की जा रही है तथा यहाँ से ऊपर गढ़वाल क्षेत्र में उन्हीं गाड़ियों को उन्हीं यात्रियों को जाने दिया जा रहा है जिनके पास शासन प्रशासन द्वारा वैध पास है। यदि किसी के पास परमिशन नहीं है तो उनको यहाँ से वापस कर दिया जा रहा है तथा साथ ही साथ बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखते हुए भारत सरकार की गाइडलाइन को पूरा। कोरोना आपदा के दौरान परिवहन व्यवसायियों ने वाहन के टैक्स माफ कर आर्थिक मदद देने की गुहार सरकार से लगाई है। इस संबंध में परिवहन व्यवसायियों ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की है। मौके पर समस्याओं को सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से बातचीत कर मदद का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि इन दिनों लॉकडाउन होने के चलते परिवहन व्यवसाय ठप पड़ा है जिसके कारण से व्यवसायियों के आगे रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो चुका है। अध्यक्ष जी का पहले तो हमने सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों ने धन्यवाद किया कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया कि अपनी जो भी परेशानियां हैं मेरे को बताएं और जो मेरे साथ मेरे से हो सकता है मैं उसको करूंगा। हमने मुख्य बिंदु जो हमने सरकार से मांग पहले भी लेटर दिए हैं उसमें ये रखी है कि सभी की जो छोटी बड़ी जो भी वाहनें हैं हमारी उनका 2 साल का टैक्स हमारा माफ़ होना चाहिए क्योंकि इस आपदा में हमारा यात्रा का व्यवसाय है वो समाप्त हो चुका है तो इससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। दूसरा हमने चालक परिचालकों के लिए मांग रखी है कि वो लोग भी इससे बहुत प्रभावित हुए हैं तो उनकी एक सहायता भी की जाए। अपनी बात रखते हुए हमने ये कहा कि अध्यक्ष जी हमारे जो विक्रम मालिक और चालक हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाए और विक्रम पे 1 साल का टैक्स इंश्योरेंस फिटनेस ये माफ़ की जाए और जो गाड़ियाँ प्राइवेट और बैंक से फाइनेंस है उनको 1 साल के आगे समय दिया जाए और जो 1 साल का आगे समय दिया जाए उसमें ब्याज में छूट दी जाए। और माननीय अध्यक्ष जी ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि मैं पूरा प्रयास करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से बात करूंगा मैं, बस यही कहा। प्रमुख समस्या उनको यह आ रही है कि आज यदि वो कोई काम नहीं करवा रहे हैं तो उनका टैक्स माफ़ होना चाहिए। तो मैं आज उनसे बातचीत के बाद मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री से भेंट कर रहा हूँ। उनसे मिलने के बाद उनसे आग्रह करूँगा कि जैसा 2013 में उनका टैक्स माफ़ हुआ था या और क्या उनका राहत उनको हम दे सकते हैं ताकि उनको जो जिस प्रकार की समस्या उनके सामने है बहुत धनाढ्य किस्म के लोगों नहीं है, सामान्य श्रेणी से लेकर थोड़ा ऊपर श्रेणी के यदि हैं भी तो भी उनको राहत की आवश्यकता है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा। और देहरादून में मौसम का मिजाज बदला है और देहरादून में बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे हैं। तो अब अगर पहाड़ों की बात करें तो उत्तराखंड के अंदर एक तरफ जहां पहाड़ों में तेज वर्षा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में भी तेजी के साथ में बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। देहरादून की तस्वीर आप देख रहे हैं, कल नैनीताल की एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जहां पर भारी आंधी और तूफान था। अब देहरादून की तस्वीर आप देखिए किस तरीके से तेजी के साथ में बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है और ओले भी गिर रहे हैं। देहरादून में हुई इस बारिश के बाद में मौसम का मिजाज बदला है और मौसम में अब ठंडक महसूस हो रही है। अब तक जहां तपती गर्मी लोगों को परेशान कर रही थी वहीं इस बारिश ने ठंडक का एहसास दिलाया है। तुम कहां तक पहुंचे?